हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारण। इससे पहले हमने पढ़ा था कि विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों अवस्थाओं को डिटेल से हमने देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब बच्चे का विकास हो रहा होता है, विकास कब से शुरू हो जाता है? जन्म पूर्व अवस्था से। जन्म पूर्व अवस्था से ही जब बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है तो कुछ कारक होते हैं जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। अब ये जो कारक है उस पर अच्छा भी प्रभाव डाल सकते हैं और बुरा भी। उसे जिस प्रकार का माहौल मिलेगा वो कारक उसे उसी प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो हम देखते हैं कि बच्चे के विकास को दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। एक होता है आंतरिक कारक और एक होता है बाह्य कारक। विकास शुरू हो जाता है जन्म पूर्व अवस्था से। जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता है और उससे पहले जो उसे जो कारक प्रभावित करते हैं उसे कहते हैं आंतरिक कारक। और जन्म लेने के बाद बच्चे को समाज में आने पर जो कारक प्रभावित करते हैं उसे उन्हें कहते हैं बाह्य कारक। यानी दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, एक आंतरिक कारक और एक बाह्य कारक। आंतरिक कारकों में आता है आनुवंशिक गुण, जो हमें हमारी वंश परंपरा से मिले हुए हैं, हमारे माता पिता तथा पूर्वजों से जो गुण हमें प्राप्त होते हैं वो गुण अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, उन्हें ही कहते हैं आनुवंशिक कारक। ठीक है। और बाह्य कारकों में आता है वातावरणीय गुण। जन्म लेने के बाद जिस प्रकार के वातावरण में हम रहेंगे उसी प्रकार से हमारा विकास होगा, तो उन्हें कहते हैं बाह्य कारक। और ये जो कारक हमें प्राप्त होते हैं ये समाज से प्राप्त होते हैं। अच्छे वातावरण में रहेंगे तो बच्चे का विकास अच्छा होगा और बुरे वातावरण में रहेंगे तो उसका जो विकास होगा और बुरा होगा। यानी कारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं, आंतरिक और बाह्य कारकों में कौन कौन से कारक शामिल हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहला जो प्रमुख कारक है वो होता है वंशानुगत कारक, या इसे कह सकते हैं आनुवंशिक कारक। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो सारे कारक हम पढ़ेंगे जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। सबसे प्रमुख कारक है वंशानुगत कारक या आनुवंशिक कारक। ये जो कारक होता है हमें हमारी वंश परंपरा से मिला होता है, यानी जन्म के साथ से ही हमारे साथ में आता है। ये जैविक कारक होता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपके माता पिता लंबे हैं तो जो संतान होगी वो भी लंबी होगी। यानी उसमें कौन सा कारक आया? आनुवंशिक कारक, वंशानुगत कारक उसमें आया। दूसरा जो कारक होता है वो होता है पर्यावरणीय, या कह सकते हैं परिवेश या वातावरण। दूसरा कारक बच्चे को प्रभावित करता है जन्म लेने के बाद उसका वातावरण, पर्यावरण, किस परिवेश में वो रह रहा है उस हिसाब से उसका विकास होगा, है ना। यानी वातावरण भी उसके विकास को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट कारक मिलता है शारीरिक कारक। तीसरे नंबर पे आता है शारीरिक कारक। इसका मतलब होता है कि यदि बच्चा जन्म से ही कमजोर है, उसका शरीर जन्म से ही दुबला पतला है, तो उसका जो विकास होगा एक स्वस्थ बच्चे की अपेक्षा धीरे होगा, है ना। शारीरिक कारक में ये आता है कि यदि बच्चा जन्म से ही कमजोर है तो उसका जो विकास होगा एक अच्छे स्वस्थ बच्चे की अपेक्षा धीमी गति से होगा। चौथे नंबर पे आता है जन्म क्रम। इसका मतलब है कि जन्म क्रम भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। पहले बच्चे की अपेक्षा दूसरे व तीसरे बच्चे का जो विकास होगा वो तीव्र गति से होगा। ऐसा इसलिए होता है कि पहले बच्चे को सब कुछ सीखना पड़ता है, समाज से सारे गुण सीखने पड़ते हैं, वातावरण से सीखने पड़ते हैं, जबकि दूसरा व तीसरा बच्चा उस पहले बच्चे को देखकर, है ना, उसका अनुकरण करके बहुत ही जल्दी उन गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए पहले बच्चे की अपेक्षा दूसरे बच्चे का जो विकास होता है वो जल्दी होता है। यानी जन्म क्रम भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट कारक आता है
विकास को प्रभावित करती है। किस प्रकार, मान लो एक 2 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है, इन दोनों से कहा जाए कि 10 केजी का एक 10 किलो का वजन है उसे उठाना है आपको, तो 10 साल का बच्चा इसको उठा सकता है जबकि 2 साल वाला नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका शारीरिक विकास अभी नहीं हुआ, यानी उसकी आयु ने उसके विकास को प्रभावित किया। आयु भी विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। आगे आता है बुद्धि। बुद्धि बुद्धि भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। और बुद्धि कैसे प्रभावित करती है? देखो, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक होता है कुशाग्र बुद्धि और एक होता है मंद बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि, इस बच्चे को हम प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं, और ये होता है मंद बुद्धि बालक। जो बच्चा कुशाग्र बुद्धि का होता है उसका विकास बहुत जल्दी होता है। कहा जाता है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है वो बोलने और चलने में जल्दी लग जाता है मंद बुद्धि के बच्चे की अपेक्षा, यानी बुद्धि ने भी बच्चे के विकास को प्रभावित किया। नेक्स्ट आता है लिंग। लिंग भी विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। लिंग कैसे प्रभावित करता है? हम देखते हैं कि जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो यदि वो लड़का है तो जो उसका आकार होगा वो बड़ा होगा। जन्म के समय लड़के का आकार और वजन लड़की की अपेक्षा ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़े समय बाद शिशुअवस्था में ही हम देखते हैं कि जो लड़की होती है उसका शारीरिक व मानसिक विकास में तेजी आने लग जाती है। यानी अब लड़के का जो विकास है वो धीमी गति कर लेता है जबकि लड़की का जो शारीरिक व मानसिक विकास जल्दी हो जाता है। यानी इसलिए कहा जाता है कि लड़की का शारीरिक व मानसिक विकास दोनों ही विकास लड़के की अपेक्षा जल्दी ही परिपक्व हो जाते हैं। यानी लिंग ने भी बच्चे के विकास को प्रभावित किया। नेक्स्ट कारक आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये ग्रंथियां बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। यदि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां उस रस को सही प्रकार से स्रावित न करें तो बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी उसका विकास रुक जाता है। शारीरिक व मानसिक दोनों ही विकास अवरुद्ध हो जाते हैं यदि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो रस स्रावित करती हैं उस रस को सही प्रकार से सही मात्रा में स्रावित करना बंद कर दे। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। नेक्स्ट कारक है पोषण। पोषण भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। एक होता है कुपोषण, एक होता है सुपोषण। यदि बच्चे को सुपोषण कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण प्रोटीन्स विटामिन्स आदि से युक्त भोजन संतुलित भोजन उसे मिल रहा है तो जो उसका पोषण होगा वो अच्छा होगा और उसका विकास भी अच्छा होगा। यदि उसके जो भोजन में ये सारी मात्राओं की कमी है, खनिज लवण कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स विटामिन्स इन सभी कमी है तो उसका पोषण अच्छा नहीं होगा, यानी उसका शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। पोषण भी बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। नेक्स्ट है खेल एवं व्यायाम। खेल एवं व्यायाम, खेल एवं व्यायाम भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। खेल, जो बच्चा निरंतर खेल खेलता है व्यायाम करता है उसका जो विकास होता है एक स्वस्थ बच्चे की अपेक्षा जल्दी होता है और अच्छा होता है। इसीलिए स्कूलों में 1 पीरियड खेल के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बच्चे के विकास में क्योंकि इससे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट कारक है भयंकर रोग एवं चोट। भयंकर रोग एवं चोट, यदि बच्चे को जन्म से ही कोई भयंकर रोग है, कोई भयंकर बीमारी है या फिर उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, उसे ऐसी चोट लग गई है तो वो चोट और भयंकर रोग भी उसके विकास को प्रभावित करेगा, यानी उसका विकास उसे विकास नहीं होने देगा।
और भयंकर रोग एवं चोट। नेक्स्ट कारक आता है प्रजाति। प्रजाति प्रजाति भी बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक कारक माना जाता है और कहा जाता है कि उत्तरी यूरोप की जो प्रजाति है उसका जो विकास होता है वो भूमध्य सागरीय बच्चों की तुलना में तेजी से होता है। जो भूमध्य सागरीय बच्चे होते हैं, भूमध्य सागरीय प्रजाति के जो बच्चे होते हैं उनका विकास और उत्तरी यूरोप की प्रजाति दोनों की तुलना करें तो उत्तरी यूरोप के बच्चों का जो विकास होगा वो भूमध्य सागरीय बच्चों की बच्चों वाली प्रजाति की तुलना में ज़्यादा होगा, यानी प्रजाति ने भी बच्चे के विकास को प्रभावित किया। लास्ट कारक हमें मिलता है शुद्ध वायु, शुद्ध वायु एवं प्रकाश। जहां पर बच्चा रहता है यदि वहां पर शुद्ध वायु न मिले उसे और सही मात्रा में प्रकाश न मिले तो इससे भी उसका शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वायु एवं प्रकाश भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। ये सब हमने देखा बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जब बच्चा जन्म पूर्व अवस्था में रहता है तभी से उसको कारक कुछ कारक प्रभावित करने लग जाते हैं। ये कारक अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, और ये दो प्रकार के होते हैं आंतरिक कारक और बाह्य कारक। हमने देखा कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो सबसे प्रमुख कारक हमने देखा था वंशानुगत, दूसरे नंबर पर देखा सामाजिक कारक या वातावरणीय कारक जिसे हम कहते हैं, फिर हमने देखा कि शारीरिक कारक बच्चे को प्रभावित करता है, आयु, लिंग, बुद्धि, वंशक्रम, पोषण तथा शुद्ध वायु एवं प्रकाश। ये सभी कारक जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। और आगे हम देखते हैं विकास के सिद्धांत। विकास बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। विकास के सिद्धांत, ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो किस प्रकार से उसका विकास होता है। तो विकास के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत हम देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। सबसे पहला कारक है विकास की दिशा का सिद्धांत। हमने जब अभिवृद्धि और विकास पढ़ा था तो वहां पर देखा था कि अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। और किस दिशा में विकास होता है? सिर से पैर की ओर। यानी विकास की दिशा का सिद्धांत हमें बताता है कि जो बालक का विकास है वो एक निश्चित दिशा में होता है और वो दिशा पूछी जाती है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। यानी बच्चे के मस्तिष्क का विकास पहले होता है इसलिए इसे कहते हैं मस्तादोमुखी सिद्धांत, मस्तादोमुखी सिद्धांत। इस सिद्धांत को मस्तादोमुखी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखो पहले मस्तिष्क का विकास होता है तो बच्चा सबसे पहले अपने सिर को हिलाना सीखता है, फिर थोड़ा उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है और लास्ट में चलना सीखता है। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क का विकास पहले होता है इसलिए सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सिर को हिलाना सबसे पहले सीखेगा, सिर को हिलाना। उसके बाद में वो थोड़ा उठना सीखता है, फिर उठकर बैठना सीखता है ना, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से उठना सीखेगा, पूरा नहीं उठेगा, उठकर फिर बैठना सीखता है और अंत में वो चलना सीखता है। यानी पैरों का विकास उसका सबसे अंत में होता है इसलिए इसे कहते हैं मस्तादोमुखी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बताता है? विकास की दिशा का सिद्धांत बताता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर एक निश्चित दिशा में होता है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत हमें बताता है कि जब बच्चे का विकास होता है
एक क्रम में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। यह कहता है कि बच्चे का भामक भामक और भाषा विकास दोनों ही एक निश्चित क्रम में होता है। बच्चे का भामक और भाषा विकास, भामक विकास का मतलब होता है उठना बैठना चलना दौड़ना, ये सारे बच्चे के भामक विकास है ना। और ये विकास के क्रम का सिद्धांत कहता है कि बच्चा डायरेक्टली दौड़ना शुरू नहीं कर देता, वो सबसे पहले उठना सीखता है, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर चलना सीखता है और लास्ट में दौड़ना सीखता है। यानी उसका भामक विकास जो होता है एक निश्चित क्रम में होता है। और भाषाई विकास कहता है कि बच्चा डायरेक्ट लिखना नहीं सीख जाता, भाषा विकास में एक निश्चित क्रम चलता है। भाषा विकास हमारा इस प्रकार होता है कि सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, यानी किसी की बात को सुनता है, फिर सुनी हुई बात को बोलना सीखता है। ये क्रम पूछा जाएगा, सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर सुनी हुई बात को बोलता है, फिर बच्चा पढ़ना सीखता है और अंत में बच्चा लिखना सीखता है। यानी ये क्रम चलेगा, लिसन स्पीक रीड और राइट, इस फॉर्म में क्रम चलता है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, बच्चे के भाषाई विकास का क्रम है। ये कौन बताता है? विकास के क्रम का सिद्धांत बताता है कि बच्चे का जो भामक और भाषाई विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत आता है विकास की गति का सिद्धांत। विकास की गति का सिद्धांत, और विकास की गति का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे का जब विकास होता है तो सभी अवस्थाओं में उसका विकास एक जैसा नहीं होता, बदलता रहता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। और हमने जब विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तो उसका विकास तेज गति से होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में स्थिरता आ जाती है, यानी धीरे हो जाते हैं, और फिर हमने देखा था कि किशोरावस्था में अत्यधिक तेजी से होने लगते हैं। यानी हमने क्या देखा कि एक बार विकास तेजी से हुआ, फिर रुक गया, फिर वापस तेजी से बढ़ने लगा, यानी उसकी गति क्या है, एक जैसी नहीं है, सभी अवस्थाओं में बदलती रहती है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बालक के सभी विकास, बालक के सभी विकास की गति एक जैसी नहीं होती, बालक के सभी विकास की गति एक जैसी नहीं होती। अब सभी विकास में क्या क्या, उसका शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक व समयगत। बच्चे के शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक सभी विकास की गति सभी अवस्थाओं में एक जैसी नहीं होती, बदलती रहती। ठीक है, अब कैसे चलती है विकास की गति? शैशवावस्था में, सबसे पहले शैशवावस्था, शैशवावस्था में जो विकास की गति होती है वो तीव्र होती है। शैशवावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, जबकि बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। ठीक है, पहले तीव्र है, फिर मंद है, और जैसे ही किशोरावस्था लगती है, किशोरावस्था, इसमें विकास की गति फिर तीव्र हो जाती है। यानी हमने क्या देखा कि विकास की गति का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सभी अवस्थाओं में एक जैसा नहीं होता। और ये जो सिद्धांत दिया था, सिद्धांत देने वाले का नाम है डगलस एवं पोलेट, डगलस एवं पोलेट, इन्होंने विकास की गति का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है हमें कि बच्चे के जितने भी विकास हैं, शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक,
ये सारे विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी एक भी विकास यदि कमजोर हुआ तो बाकी सारे विकास कमजोर होंगे, है ना। परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है कि बच्चे के जितने भी विकास हैं सभी विकास परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कैसे? कि यदि बच्चा शरीर से स्वस्थ रहा तो उसका शारीरिक विकास होगा, और यदि वो शरीर से स्वस्थ रहा तो उसका मानसिक, उसका मन भी स्वस्थ रहेगा, यानी उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, और यदि उसका मानसिक विकास अच्छा रहा तो वो सामाजिक कार्यों में क्या लेगा, रुचि लेगा। यानी एक विकास ने उसके सारे विकास को प्रभावित किया, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परस्पर विकास संबंध का सिद्धांत बताता है कि सभी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सभी विकास परस्पर संबंधित होते हैं। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत हमें बताता है, और ये जो सिद्धांत दिया है वो दिया है हर लोग ने, परस्पर संबंध का सिद्धांत दिया हर लोग ने। नेक्स्ट सिद्धांत आता है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, और ये दिया है स्किनर ने, निरंतर विकास का सिद्धांत दिया है स्किनर ने। और ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। हमने देखा था कि विकास जन्म पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता है, यानी जन्म पूर्व अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है, यानी निरंतर चलता है। और इससे पहले वाले सिद्धांत में हमने देखा था कि विकास की गति का सिद्धांत बताता है कि सभी अवस्थाओं में विकास की गति एक जैसी नहीं रहती, जबकि ये सिद्धांत बताता है कि विकास की गति निरंतर चलती रहती है। दोनों में अंतर है। उस सिद्धांत में हमने देखा था कि गति एक जैसी तो नहीं रहती लेकिन बिल्कुल रुक नहीं जाती है, शैशवावस्था में तीव्र होती है और बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, यानी थोड़ी कम हो जाती है, बिल्कुल रुकती नहीं है, यानी निरंतर विकास चलता रहता है। निरंतर विकास का सिद्धांत कहता है कि जन्म पूर्व अवस्था से लेकर विकास मृत्यु पर्यंत चलता है, विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है। ये विकास की निरंतर विकास का सिद्धांत हमें बताता है। नेक्स्ट सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत दिया है हर लोग। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत में हर लोग कहते हैं कि संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सब में एक जैसी ही विशेषताएं हमें देखने को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि चाहे आप दो जुड़वा भाइयों को ले लो, दो जुड़वा बहनों को ले लो, या एक ही समय में जन्म लिए दो बच्चों को ले लो, समान आयु के दो बच्चों को आप देख लो कि उनमें जो विशेषताएं पाई जाएगी वो दोनों में अलग अलग पाई जाएगी, है ना। उनका कहने का मतलब है कि एक ही व्यक्ति में, दो व्यक्तियों में एक जैसी विशेषताएं हमें देखने को नहीं मिलती, यानी समान आयु के दो बच्चों के विकास में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, दो बच्चों के विकास में भिन्नता पाई जाती है, है ना। उदाहरण बताया उन्होंने कि आप जुड़वा दो भाई बहनों को भी देख सकते हो कि बाद में उनमें दोनों में जो विकास होगा वो अलग अलग होगा, दोनों में समान नहीं होगा। एक कमजोर होगा तो एक मजबूत होगा, एक थोड़ा लंबा होगा तो एक थोड़ा उससे उसकी लंबाई कम होगी, यानी दोनों के विकास में भिन्नताएं हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सिद्धांत है
है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, इसी का दूसरा नाम है समन्वय, समन्वय का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या समन्वय का सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें बताता है कि एक छोटा बच्चा जो होता है पहले अपने संपूर्ण शरीर के अंगों को चलाना सीखता है। उनका कहने का मतलब है कि पहले बच्चा अपने शरीर के अंगों को चलाना सीखता है और फिर उन अंगों में एकीकरण करने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, उसके सामने यदि हम कोई खिलौना रख दें उससे थोड़ी दूर, तो वह बच्चा पूरा घिसटता हुआ, है ना, अपने आप को घिसटता हुआ उस खिलौने के पास जाएगा। यानी वो क्या कर रहा है, सबसे पहले अपने पूरे शरीर को चला रहा है और फिर वो क्या करेगा, उस खिलौनों को लेने के लिए हाथ लंबा करेगा और फिर उंगलियों से उसे पकड़ेगा। यानी उसने क्या किया, पहले संपूर्ण शरीर को चलाया, उसके बाद शरीर के अंगों को चलाया और अंत में सारे अंगों में उसने एकीकरण करने की कोशिश की। तो इसमें क्या होता है कि बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को तथा बाद में पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को तथा बाद में उनमें एकीकरण करने की कोशिश करता है, उनमें एकीकरण करने की कोशिश करता है। यानी पहले क्या करेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एकीकरण के सिद्धांत में बच्चा सबसे पहले क्या करता है, अंग के भागों को चलाता है या फिर संपूर्ण अंग को चलाता है। तो सबसे पहले वो संपूर्ण अंग को चलाता है, फिर अंग के भागों को चलाता है और फिर सभी में एकीकरण करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया है स्किनर, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत में स्किनर जी ने बताया है कि जब बच्चे का विकास होता है तो उसके विकास में वंशानुक्रम भी प्रभाव डालता है और वातावरण भी प्रभाव डालता है। ठीक है, यानी वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, यानी दोनों ही यदि अच्छे हुए, बच्चे का वंशानुक्रम भी अच्छा हुआ और वातावरण भी अच्छा हुआ, तो उसका जो विकास होगा वो भी अच्छा होगा, है ना। और उनका कहने का मतलब है कि देखो, ये जो विकास चलता है बच्चे का वो इस रूप में चलता है। विकास कैसे चलता है, वंशानुक्रम इनटू वातावरण। स्किनर ने कहा कि यदि बच्चे का विकास हमें करना है तो उसके वंशानुक्रम को भी अच्छा रहना पड़ेगा और वातावरण को भी अच्छा, यानी दोनों के गुणनफल को, वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल को स्किनर जी ने बच्चे का विकास कहा। और उनका कहना है कि यदि वंशानुक्रम बच्चे का अच्छा नहीं रहा, यानी वंशानुक्रम जीरो रहा और वातावरण यदि अच्छा रहा, तो बच्चे का जो विकास होगा वो भी जीरो होगा। जीरो से यदि हम किसी संख्या को गुणा करेंगे तो वो जो प्रतिफल आएगा वो भी क्या आएगा, जीरो। और स्किनर जी का कहना है कि यदि वंशानुक्रम बच्चे का अच्छा हुआ और उसे माहौल खराब मिला, यानी वातावरण उसका जीरो रहा, तो जो विकास होगा वो भी क्या होगा, जीरो।
बच्चे का विकास कब होगा? जब उसका पंचानुक्रम भी अच्छा हो और वातावरण भी अच्छा हो, तब जाके बच्चे का विकास होगा। ये किसका कहना है? स्किनर जी का कहना है। यानी स्किनर जी ने कहा कि बच्चे के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही समान महत्व रखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, और ये दिया है हर लोग, समान प्रतिमान का सिद्धांत दिया है हर लोग ने। और इस सिद्धांत में हर लोग जी ने कहा है कि एक ही जाति विशेष के जितने भी प्राणी हैं उनमें जो विशेषताएं, विकास की जो विशेषताएं हमें देखने को मिलेगी वो एक जैसी मिलेगी, है ना। देखो विकास जरूरी नहीं है कि सभी में एक जैसा हो, लेकिन विकास जिस तरीके से होता है उसमें जो विशेषताएं पाई जाती है वो समान होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक गरीब परिवार का लड़का है और एक अमीर परिवार का लड़का है, एक गरीब का बच्चा है और एक अमीर का बच्चा है, यानी दोनों ही किस जाति के हैं? मनुष्य जाति के, दोनों ही मनुष्य जाति के हैं। और हरलोक जी का कहना है कि समान जाति के, या फिर कहें एक ही जाति विशेष के, एक ही जाति विशेष के सभी प्राणियों में विकास की एक जैसी विशेषताएं होती है, एक जैसी विशेषताएं होती है। कैसे? कि देखो यहाँ पर दो बच्चे हैं, दोनों ही किस जाति के हैं? मनुष्य जाति के। अब इनका जो विकास होगा, मान लो इनका गामक विकास हमें कराना है, तो ये जो गरीब का बच्चा है ये सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले ये सिर को हिलाना सीखता है, फिर उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर क्या करता है? चलना सीखता है, और अंत में दौड़ना सीखता है, है ना। क्या ये अमीर परिवार का बच्चा डायरेक्ट दौड़ना सीख जाएगा क्या? नहीं। जिस प्रकार एक गरीब के बच्चे ने दौड़ना सीखने से पहले ये सारी सामान्य क्रियाएं करी, उसी प्रकार एक अमीर का बच्चा भी दौड़ना सीखने से पहले वो सारी क्रियाएं करेगा जो एक गरीब के बच्चे ने करी थी। यानी एक ही जाति विशेष के जितने भी प्राणी हैं उन सब में विकास की जो विशेषताएं होती है वो एक जैसी हमें देखने को मिलती है। ये किसका कहना है? हरलोक जी का कहना है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें बताता है कि बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत हमें बताता है कि बालक पहले सामान्य छोटी छोटी क्रियाएं करता है, उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे सबसे पहले बच्चे की जो विशिष्ट क्रिया है वो मैंने दौड़ना माना, दौड़ना सीखने से पहले सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? उठना सीखेगा, है ना, फिर बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर चलना सीखता है, और फिर दौड़ना सीखता है। यानी बच्चे की विशिष्ट क्रिया क्या है? दौड़ना। इस विशिष्ट क्रिया को करने से पहले उसने छोटी छोटी सामान्य क्रियाएं करी, तब जाके वो विशिष्ट क्रिया तक पहुंचा। एक और ले सकते हैं हम कि
क्या बात, बच्चा डायरेक्ट भाषा बोलना सीख जाता है, भाषा लिखना या बोलना सीख जाता है? नहीं, वो सबसे पहले वर्ण सीखता है, फिर शब्द सीखता है, और फिर शब्द छोटे छोटे शब्दों से भाषा बनाना सीखता है। यानी बच्चे का जो विकास होता है सामान्य से विशिष्ट के रूप में होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत, चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत। लास्ट सिद्धांत है ये चक्राकार, या इसी को कहते हैं वर्तुलाकार का सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो लंबवत सीधा ना होकर एक चक्राकार रूप में चलता है। क्या कहता है ये सिद्धांत कि विकास, बालक का विकास लंबवत सीधा ना होकर चक्राकार रूप में चलता है, चक्राकार रूप में चलता है। कहने का मतलब है कि बच्चे का विकास ऐसे सीधा नहीं होता, इस तरीके से होता है, चक्राकार रूप में। यानी बच्चे का यदि विकास हो रहा है तो केवल उसकी लंबाई ही नहीं बढ़ेगी, लंबाई बढ़ने के साथ में उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ने के साथ में उसका वजन भी बढ़ेगा। यानी बच्चे की केवल लंबाई ही न बढ़कर चौड़ाई में भी वृद्धि हुई और उसके भार में भी वृद्धि हुई। यानी विकास लंबवत सीधा न होकर किस रूप में चला, चक्राकार या वर्तुलाकार के रूप में। हम कह सकते हैं कि उसका जो विकास है वो एक ओर से न होकर चारों ओर से हुआ, एक ओर से न होकर चारों ओर से हुआ, इसलिए इसे चक्राकार का सिद्धांत या वर्तुलाकार का सिद्धांत कहते हैं। ये सारे हमने आज पढ़े बाल विकास के सिद्धांत, जो हमें बताते हैं कि बच्चे का विकास किस तरीके से होता है। उससे पहले हमने पढ़ा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कि जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो कुछ कारक होते हैं जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अधिगम, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।